स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आप सभी देखने वाले हैं कि अक्षरा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है। जी हाँ, उसके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, तब दादी उसे लेकर जाएगी अभिमन्यु के हॉस्पिटल। इससे पहले आप सभी देखने वाले हैं कि यहाँ घर में अक्षु को देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जब अक्षु घर आती है तो सब उससे पूछते हैं कि क्या अक्षु और आरोही दोनों के बीच सब कुछ सही हुआ, क्या आरोही मान गई है। लेकिन अक्षु कहेगी कि वो जल्द ही मान जाएगी। तब मनीष कहेंगे कि 12 साल तो हो चुके हैं, उसे क्यों समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अक्षु आरोही के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनने वाली है। यहाँ कायरव भी यही सोचेगा कि ना जाने इनके बीच सब कुछ सही कब होगा। वहीं से के साथ आप देखने वाले हैं कि अभिमन्यु जो अपने पापा से काफी नफरत करता है, अभिमन्यु के पापा जब हॉस्पिटल में होते हैं तो वहाँ एक छोटा बच्चा ऑपरेशन करवाने से मना कर देता है। वो बिल्कुल साफ मना करता है कि वो ये ऑपरेशन नहीं करवाएगा। डॉक्टर्स उसे मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अभिमन्यु यमराज के भेष में आता है और कहता है कि अगर तुमने ये ऑपरेशन नहीं कराया तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। वो बच्चा काफ़ी डर जाता है और कहता है कि क्या वाकई आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे। तब अभिमन्यु कहता है कि अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। और आप देखेंगे कि अभिमन्यु के इस ड्रामे से वो बच्चा मान जाएगा ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन इस ड्रामे के बाद अभिमन्यु के पापा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होंगे। वल यहाँ हमें इनके बीच की नफरत देखने के लिए मिलने वाली है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि अक्षरा जाएगी अभिमन्यु की ताई जी को इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु की ताई जी जो डॉक्टर मोनिका है वो काफी कुछ सुनाती नजर आएंगी अक्षु को कि म्यूजिक से कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर म्यूजिक से पेशेंट को ठीक किया जा सकता तो फिर डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं होती। उनकी बातें सुनकर उसे काफी बुरा लगेगा। वो जब बाहर आएगी तो उसकी तबीयत काफी खराब होने लगेगी और दादी उसे अभिमन्यु के हॉस्पिटल लेकर जाएगी। और आप देखेंगे कि जब अक्षु हॉस्पिटल में होगी वो बेड पर लेटी हुई होगी, तभी उस कमरे में अभिमन्यु आएगा और पैर टकराने की वजह से वो जा गिरेगा अक्षु के ऊपर। इस तरह से दोनों की ये पहली मुलाकात होगी। अब देखना ये मजेदार होगा कि एक और आरोही भी सोच रही है कि उसे डॉक्टर अभिमन्यु से मिलना होगा, क्योंकि उन्हें देखते ही वो आ गए हैं उसे काफी ज्यादा पसंद। तो अब इनका ये लव ट्राइंगल किस तरह से बढ़ता है आगे, ये जानने के लिए देखना ना भूले स्टार प्लस पर ये रिश्ता क्या कहलाता है।